अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर वेल सो स्टूडेंट्स अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीजेस एंड दे आर सिमटम्स और वी कैन से ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन ओके आई होप बच्चे आपको क्लियर होगा प्रीवियस वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया नाउ वी आर मूविंग टू आर नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ओके सो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट का क्या मतलब है एज यू ऑल नो हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया उसमें हमने डिजीज के बारे में डिस्कस किया फिर वो कैसे स्प्रेड होते हैं ये हमने डिस्कस किया क्लियर किन आ, क्या मेजर्स हैं किस मतलब और उसके बाद क्या हमने डिस्कस किया था कि सिम्टम्स क्या आते हैं ठीक है और सिम्टम्स के बेसिस पे आ, कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सी डिजीज है और कहां पे हुई है ओके ऑर्गन और टिश्यू के अकॉर्डिंग हम बता सबने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे हमें फॉर uh, एग्जांपल अगर सिम्टम्स आपको कफ या फिर ब्रेथलेसनेस um, uh, है तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो टारगेट ऑर्गन है वो क्या है लंग्स, ओके सो इन सब से आपको पता लग जाता था हमने ये सब डिस्कस किया ना प्रॉब्लम्स के बारे में तो डिस्कस कर लिया अब बात आती है उनकी ट्रीटमेंट के बारे में कि उसको ठीक कैसे करना है डिजीज तो हो गई सिम्टम्स से पता भी लगा, लगा लिया कि कहाँ पे डिजीज हुई है कौन सा एरिया कौन सा ऑर्गन कौन सा टिश्यू टारगेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें सिम्टम्स के थ्रू पता लग जाता है क्लियर नाउ अब हम बात करने वाले हैं कि ट्रीटमेंट कैसे की जाए इन डिजीजेस की जिसकी वजह से हम हमें बेटर फील होगा रिलीफ होगा ओके okay? अगर किसी को आ, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती कोई भी डिजीज हो जाता है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट दो ही तरीके हैं ठीक है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट टू टाइप्स के हैं कौन कौन से पहला तरीका यह है कि आप उसके इफेक्ट को रिड्यूस करोगे जो डिजीज की वजह से इफेक्ट हो रहा है किसी भी पर्सन पे उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हो और या तो दूसरा तरीका क्या है कि आप उसके कॉज को ही किल करोगे जिस वजह से वो डिजीज हो रही है आप उसके अगर कॉज को किल कर दोगे तो हमारे पास ट्रीट हो कर सकते हो आप उस डिजीज को ओके सो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट में हम यही डिस्कस करने वाले हैं क्लियर बच्चे आई होप आपको क्लियर हुआ हम आज क्या डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट मींस हाउ टू ट्रीट दिस डिजीजेस जो किसी को डिजीजेस हो जाते हैं उनको ट्रीट कैसे करते हैं या तो सिंपली हम उसका इफेक्ट रिड्यूस करेंगे जिस जो भी इफेक्ट हो रहा है उस डिजीज की वजह से या फिर हम उसके कॉज को ही किल कर देंगे तो लेट स्टार्ट नाउ वट आर द स्टेप्स टेकन बाय योर फैमिली वेन यू फॉल सिक हैव हैव यू यू एवर एवर थॉट वाई वाई यू समाइम्स फील बेटर इफ यू स्लीप फॉर सम टाइम वेन डज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेडिसिन ओके तो क्या बोला यहां पर कि क्या स्टेप्स लिए जाते हैं आपकी फैमिली क्या स्टेप्स लेती है जब आप बीमार पड़ते हो आपने कभी ऐसा सोचा है कि वाई यू समाइम्स फील बेटर इफ यू स्लीप फॉर समटाइम क्या आपने कभी सोचा है कि आपको बेटर क्यों फील होता है अगर आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ अपनी इलनेस में या जब आप बीमार होते हो फाइन और कब आपको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है मीन्स मेडिसिन दी जाती हैं टू ट्रीट योर डिजीज ओके सो इस सब से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं तो आपको भी पता है जब आपको भी बीमार पड़े होगे तो क्या होता है सबसे पहले डॉक्टर डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं क्लियर कि कोई प्रॉब्लम है जो आपको जो भी सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत तो आपके फैमिली मेंबर्स को पता लग जाता होगा कौन सी प्रॉब्लम है क्लियर उसके बाद डॉक्टर्स को कंसल्ट किया जाता है देन डॉक्टर्स जो है वो बताते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है क्लियर और उसके बाद उसके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए या तो कुछ देंगे या तो उसकी कॉज को किल करने के लिए आपको कुछ देंगे ठीक है मेडिसिन देंगे क्लियर तो डॉक्टर्स फिर उसके बाद मेडिसिन देते हैं आपकी डिजीज को ट्रीट करने के लिए सो बेस्ड ऑन वॉट वी हैव लर्न सो फॉर इट वुड अपेयर दैट देर आर टू वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्शन डिजीज अब जो हमने आज तक समझा है इन डिजीजेस के बारे में हमें क्या पता लगा कि हमारे पास दो ही तरीके हैं इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट करने के जो मैंने आपको भी पहले ही डिस्कस किया आपके साथ आपको बता दिया हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे नाउ वंस वन वुड बी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज एक पहला तरीका क्या है कि डिजीज के इफेक्ट को कम कर दिया जाए एंड द अदर इज टू किल द कॉज ऑफ डिजीज और दूसरा दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या कर सकते हो जो डिजीज है उसके कॉज को ही खत्म करना है क्लियर कि जिस वजह से आपको वो डिजीज हो रही है आप उसके कॉज को ही किल करोगे आई होप आपको क्लियर हुआ नाउ फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स और अगर फर्स्ट केस की बात करें जिस केस में आपको इफेक्ट को कम करना है डिजीज के ठीक है तो उसमें क्या करोगे आप uh, ट्रीटमेंट दोगे उसके लिए सिम्टम्स जो भी आ रहे हैं ठीक है जो उसके सिम्टम्स को कम कर सके वैसी ट्रीटमेंट दोगे मतलब रिड्यूस करोगे डिजीज के इफेक्ट को ठीक है ऐसी ट्रीटमेंट दोगे क्लियर तो द सिम्टम्स आर यूजुअली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन और वो जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होंगे इन्फ्लेमेशन को हम ऑइडिमा भी बोलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको आपके नोट्स में मिल जाएंगे जो आपको दिए गए हैं ओके okay? नाउ फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक मेडिसिन दैट ब्रिंग डाउन फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप जो कोई भी मेडिसिन ले रहे हो जो हमारे पास रिड्यूस करेगी फीवर को पेन को या लूज मोशन को वी कैन टेक बेड रेस्ट जिसकी वजह से हमारी एनर्जी कंजर्व हो जाती है ठीक है रेस्ट करके हमें अच्छा फील होता है दिस विल एनेबल अस टू हैव मोर ऑफ इट अवेलेबल टू फोकस ऑन हीलिंग तो ये सब हम जब कर रहे हैं इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हो उसके इफेक्ट को कम कर रहे हो और ठीक हो रहे हो ठीक है नाउ डिज विल नॉट बी क्योर बट अगर हम ये ट्रीटमेंट की बात करें जो हम सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि सिम्टम्स की वजह से हम उसको उसके इफेक्ट को कम करने के लिए मेडिसिन ले रहे हैं उससे क्या होगा उससे बस आपका जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा थोड़ा बहुत ही होगी बट उसकी वजह से आपको जो इन्फेक्टिंग माइक्रोब है वो खत्म नहीं होगा वो आपसे दूर नहीं होगा बस उसका इफेक्ट कम हो जाएगा तो वो हमारे पास प्रॉपरली क्योर नहीं होगा तो उसको प्रॉपरली क्योर करने के लिए उस डिजीज को खत्म करने के लिए वी हैव टू किल दैट माइक्रोब। ओके सो अब बात आती है कि हम उनको माइक्रोब्स को खत्म कैसे कर सकते हैं ओके okay, एक तरीका ये है कि हम ऐसी मेडिसिन यूज करें जो उन माइक्रोब्स को खत्म करने के लिए यूज होती हैं वी हैव सीन अर्लियर दै माइक्रोव कैन बी क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट कैटेगरीज और हमने पहले भी डिस्कस किया कि माइक्रोब्स को अलग अलग में डिवाइड किया गया है जैसे फंगी वायरसेस बैक्टीरिया प्रोटोजोन्स ठीक है इतनी, इन में हमने डिवाइड किया है ईच ऑफ दीज ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेजम्स विल सम असेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस विच इज पर्क्यूलियर टू दैट ग्रुप एंड नॉट शेयर विदर ग्रुप दीज प्रोसेस में बी पाथवेज फॉर देंसेज ऑफ न्यू सब्सटांसेज और रेस्पिरेशन फाइन अब हमने एक चीज पहले भी डिस्कस की थी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन देयर फंक्शन और वी कैन से ऑन देयर असेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस फाइन तो इनके लिए जो हमारे पास इनके लाइफ प्रोसेस दे आर डिफरेंट ये हमारे पास इक्वल या फिर हम बोल सकते हैं सिमिलर लाइफ प्रोसेस शेयर नहीं करते जो एक ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं वही मेडिसिन हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए नहीं ले सकते तो हमारे पास अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स इन अलग अलग माइक्रो की वजह से हो रही है तो उनकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगी ना ही सेम क्यों क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है वायरस और बैक्टीरिया के बारे में जब हम बात कर रहे थे कि बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वही मेडिसिन हम वायरस को ट्रीट करने के लिए नहीं ले सकते बिकॉज उनका बायोलॉजिकल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है तो उस वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा जो बैक्टीरिया के लिए हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसके इफेक्ट को कम करने के लिए वो जो डिजीज को और बैक्टीरियल डिजीज जो भी कॉज हुई है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम जो डिजीज लेंगे सॉरी जो हम मेडिसिन लेंगे वो हमारे पास वायरस जो वायरल डिजीजेस होती है उनको ट्रीट करने के लिए यूज नहीं होंगी क्लियर उन पे कोई भी उसका इफेक्ट नहीं होगा सो दी प्रोसेस में भी पाथवेज ऑफ और जो ये प्रोसेसेस हैं इनके वो हमारे पास पाथवेज होते हैं फॉर द देंसेज ऑफ न्यू सब्सटांसेज मीन्स वो अपने ही तरह के ऑर्गेनिजम्स को और रिप्रोड्यूस करेंगे क्लियर और रेस्पायर करेंगे और हमारे पास और ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो कॉज करेंगे या डिजीज कॉज करेंगे क्लियर तो उसको खत्म करने के लिए हमें अलग अलग मेडिसिन का यूज करना पड़ेगा जो उस पर्टिकुलर पाथवे को उनके जो लाइफ प्रोसेस है उसको रोक ले क्लियर नाउ दीज पाथवेज विल नॉट बी यूज बाय आईदर फॉर एग्जाम्पल आर सेल्स मे मेक न्यू सब्सटांसिस बायो मैकेजम डिफरेंट फ्रॉम दैट यूज बाय बैक्टीरिया ओके तो जो वो पाथवेज यूज कर रहे हैं बैक्टीरिया माइक्रो सॉरी वायरसेस फंगी प्रोटोजो तो वही पाथवेज तो हम यूज नहीं करते हमारा जो मैकेजम है सबस्टांसिस को बनाने का वो हमारे पास डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ द बैक्टीरिया इसलिए अगर हम कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो उनके सेंसेज के पाथवे को ब्लॉक कर रहा है ठीक है तो उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज हमारा जो सिंथेसिस uh, होती है हमारे अंदर बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस की इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द बैक्टीरिया इसलिए अगर हम उसके लाइफ प्रोसेस को इनहिबिट करने के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं रोकने के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो हमें इफेक्ट नहीं करेगा ओके आई बच्चे आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा दिस इज वॉट which is achieved by the antibiotics that we are all familiar with similarly there are drugs that kill protozoa such as the malarial parasite one reason why making antiviral medicines is harder than making antibacterial medicines is that viruses have few biochemical mechanisms of their own they enter our cells and use our machinery for their life process this means that there are relatively few virus specific targets to aim at and despite this limitation, there are now effective antiviral drugs. For example, the drugs that keep HIV infection under control. So, बच्चे, what does it mean? ab yahan pe kya bola ki um हमारे पास जो antibiotics हैं, जिसके जिसके साथ हम सारे लोग familiar हैं, उसको हम use करते हैं to treat bacterial infections. Clear? समझ जा रही है? तो वो हम use कर लेते हैं. But in case of viral diseases, हम उनको use नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वायरस जो है वायरसेस जो हैं, उनके बहुत ज्यादा कम बायोकेमिकल मैकेनिज्म होते हैं अपने क्योंकि वो हमारे पास ऐसे वायरसेस जो है वो इनएक्टिव होते हैं क्लियर बच्चे इनएक्टिव होते हैं वो एक्टिव कब होंगे जब वो हमारी बॉडी में या फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करेंगे वहां पर वो एक्टिव हो जाते हैं और वो क्या करते हैं हमारा जो बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस होगा उसको यूज करेंगे हमारी मशीनरी को यूज करेंगे अपने लाइफ प्रोसेस के लिए तो इसलिए इनके जो बायोकेमिकल मकैनिज्म uh, होते हैं खुद के वो बहुत कम होते हैं इसलिए इनको ट्रीट करना थोड़ा टफ है ओके सो दिस मीन्स दे आर रिलेटिवली फ्यू वायरस स्पेसिफिक टारगेट्स हमारे पास कुछ ही फ्यू वायरस स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं एम करने के लिए ठीक है जिनका अपना मैकेनिज्म होगा उनको उनके अकॉर्डिंग मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है बट तभी क्या होता है वायरल इन्फेक्शन जो है वो दे आर ट्रीटेड ऑन दर ओन क्लियर वो हमारे पास जैसे कॉमन कोल्ड जो है वो वायरल इन्फेक्शन है उसके लिए नो no डाउट आप मेडिसिन लेते हो बट वो हमारे पास उसके इफेक्ट को कम करती है जो मेडिसिन हम उसके लिए लेते हैं ओके okay? उसको पर्टिकुलरली केयर नहीं करती क्लियर सो दिस मीन्स दैट दे आर रिलेटिवली फ्यू वायरस स्पेसिफिक टारगेट्स ओके सो डिस्पाइट दिस लिमिटेशन लिमिटेशन इस limitation के अलावा अब हमारे पास कुछ ऐसे एंटीवायरल ड्रग्स आ गए हैं जो फॉर एग्जांपल जो हम ड्रग्स लेते हैं दैट कीप इन्फेक्शन जिसकी वजह से ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनोडिफिशी वायरस इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल में रहता है क्लियर तो अब ऐसे इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स आ चुके हैं क्लियर सो एच जो है आपको पता है एड्स कॉज करता है ये ठीक है ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनोडफिश वायरस जो एड्स कॉज करता है एड्स की फुल फॉर्म क्या थी एक्वायर्ड इम्यूनो सिंड्रोम ओके अब इसमें क्या होता है इसका मतलब है आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी इस वायरस की वजह से और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे पास सिंपल से सिंपल डिजीज से भी इतना ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है क्लियर सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा ठीक है क्या पढ़ा हमने हमने पढ़ा कि कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं डिजीजेस को ओके okay, दो तरीके हमने पढ़े पहला कि आप उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर दो सेकंड क्या था कि जिसमें आप उसके कॉज को ही किल कर दो तो हम किल कैसे कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनको हम दो कॉमन मेथड से किल कर सकते हैं एक वे क्या है कि हम ऐसी मेडिसिन यूज करें जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स हैं वो मर जाए समझ आ रही है किल हो जाए खत्म हो जाए इनफैक्ट हम क्या कर सकते हैं ऐसा ड्रग चूज कर सकते हैं जो वर्क करे एक पैरासाइट या पैथोजन समझ आ रही है कि जैसे वायरस है तो उसके लिए वैसा ड्रग हम यूज करें जो उसको इफेक्ट करे उस पर या फिर उसको किल कर दे बैक्टीरिया है तो उसके लिए वैसे ही हम ड्रग यूज करें जो उसको किल कर दे फाइन और अगर जो हमारे पास वो ड्रग है वो होस्ट के मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा रोक देगा क्लियर वो जो भी सिंथेसिस करेगा ऑर्गनिजम्स बनाएगा फर्दर डिजीज स्प्रेड करने के लिए उनको वो ड्रग जो हम यूज करेंगे उसके अगेंस्ट वो खत्म कर देगा जिसकी वजह से हमारा जो ट्रीटमेंट है वो हो सकता है क्लियर तो हमने पहले माइक्रोब्स के बारे में देखा था कि उनको जैसे हमने बात की पीछे कि हम उसको क्लासीफाई किया है अलग अलग कैटेगरीज में जैसे वायरस बैक्टीरिया फंगी प्रोटोजोआ की बात की हमने तो उन पे जो इफेक्ट करेगा जो भी ड्रग वो भी डिफरेंट होगा सिमिलर नहीं होगा क्यों नहीं होगा सिमिलर क्योंकि उनके बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस जो है वो भी डिफरेंट है तो इसलिए पर्टिकुलर जो हमारे पास एक मेडिसिन जो है वो उस पर एक्ट नहीं करेगी सब पे सब पे डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन हमें यूज करनी पड़ेगी ताकि हम अपने जो डिजीज uh, है उसकी ट्रीटमेंट कर सकें तो हम जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं ठीक है एंटीबायोटिक्स होती क्या है एंटीबायोटिक्स जो है वो केमिकल्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेनली बैक्टीरिया एंड फंगाई जो हमारे पास लो कंसेंट्रेशन में हम उसको यूज करते हैं अगर हम इसे लूज कर, लो कंसेंट्रेशन में उसको हम यूज करें वो इनहिबिट कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं वैसे पैथोजें को क्लियर तो एंटीबायोटिक्स जो हैं, वो क्या होती हैं? ऐसे केमिकल्स हैं जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है माइक्रो प्रोड्यूस कर रहे हैं कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया या फंगाई ओके जो हमारे पास लो कंसंट्रेशन पे उनमें एबिलिटी होती है जब हम उनको लो कंसंट्रेशन पे लेते हैं तो उनके पास एक एबिलिटी है कि वो उनको डिस्ट्रॉय कर देती है पैथोजेंस को और उनको रोक देती है उनके एक्शंस को क्लियर जिसकी वजह से हमारा डिजीज जो है वो क्योर हो जाता है फाइन और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो कौन सी थी पेंसिलीन क्लियर फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी पेंसिलीन थी जो हमारे पास डेवलप हुई थी नाइनटीन फोर्टीज में इन रिस्पॉन्स टू द नीड टू ट्रीट सोल्जर्स इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओके कब कब हुई थी हमारे पास फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलीन थी जो डेवलप की गई थी नाइनटीन फोर्टीज में ताकि जो हमारे सोल्जर्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उनको ट्रीटमेंट किया जा सके उनका फाइन अब हमारे पास ये फिफ्टी टू हंड्रेड कमर्शली अवेलेबल एंटीबायोटिक्स हैं ठीक है अब इससे भी ज्यादा बन गई होंगी क्लियर तो हमारे पास इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स अब है जो पहली एंटीबायोटिक पेंसिलिन थी वो कब डेवलप कर गई थी नाइनटीन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमारे सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए ओके बच्चे आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं फाइन सो बच्चे हम बात कर रहे थे एंटीबायोटिक्स के बारे में एंटीबायोटिक्स जो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर इफेक्टिवनेस क्लियर टू टाइप्स की होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और नैरो स्पेक्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ओके जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं वो वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को किल करती है मतलब बहुत सारे मोस्टली बैक्टीरिया को किल करती है बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो इफेक्टिव होती है सिर्फ कुछ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के लिए ओके okay? अगर हमें कोई स्पेसिफिक पैथजन को किल करना है तो हम क्या यूज करेंगे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करेंगे जो स्पेसिफिक होती है फॉर द पर्टिकुलर डिजीज बट सारे एंटीबायोटिक्स जो है सिलेक्टिवली हमारे पास अगर हमें मोस्टली अगर हम बात करते हैं मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं फॉर द बैक्टीरिया जो मोस्टली बैक्टीरिया uh, पे इफेक्ट करता है वो हमारे पास कौन सा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ओके सो अगर हम सारे एंटीबायोटिक्स की बात करें उसमें सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती है मतलब डिपेंड करता है कि वो हमारे पास किस डिजीज के लिए आप यूज कर रहे हो फाइन सो so, जो हमारे पास सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं उनकी एक सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हर एक एंटीबायोटिक जो है वो क्या करता है वो किल करेगा और इनहिबिट करेगा सिर्फ बैक्टीरिया को या फंगाई को ओके okay? बट हमारे पास बहुत कम या फिर कोई भी डैमेज जो है वो हमारे पास होस्ट ऑर्गेजम को प्रोवाइड नहीं करता है कोई भी एंटीबायोटिक इसलिए वो हमारे पास किसके लिए टॉक्सिक है फॉर ओनली बैक्टीरिया और फंगाई मतलब जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए टॉक्सिक है नॉट फॉर द होस्ट ऑर्गेनिज्म ओके बच्चे सो so, इसलिए इनको लेना इतना मतलब सेफ है इसकी वजह से कोई इतना ज्यादा डैमेज नहीं होता है क्लियर जो एंटीबायोटिक्स हैं वो क्या करते हैं किसके साथ इंटरफेयर करते हैं विद द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द पैथोजन ओके पैथोजेंस को ग्रो नहीं करने देते और उनके मेटाबॉलिज्म को रोक देते हैं जिसकी वजह से वो डिजीज कॉज नहीं कर पाता है ओके okay? तो अलग अलग पेंसिलींस अलग अलग सॉरी एंटीबायोटिक्स है हमारे पास जैसे पेंसिलीन्स स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रा पॉलीमिक्सिन फाइन ये सब हमारे पास क्या है एंटीबायोटिक्स हैं क्लियर आई होप होपी आपको क्लियर हुआ होगा और अगर कोई भी डाउट है आपको यहां तक तो वो आप डिस्कस कर सकते हो मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बता दी है जो आपको बुक में नहीं मिलेंगी बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट अगर कोई चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो ओके okay, स्टूडेंट्स और अपने नेक्स्ट लेक्चर uh, में हम क्या पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ओके कि हम डिजीज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं आज तो हमने क्या पढ़ा कि ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं अपने डिजीजेस की और हमने उसके बारे में पढ़ा कि क्या यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट या तो हम um, ऐसी ड्रग्स uh, लेंगे ऐसी मेडिसिन लेंगे जो क्या करती हैं डिजीज के इफेक्ट को कम कर देंगी और या तो हम ऐसी मेडिसिन लेंगे या ऐसे ड्रग्स लेंगे जो क्या करते हैं किल करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को pathogen, या फिर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को जैसे हमने पेंसिलीन की बात की कि पेंसिलीन जो है वो इनहिबिट करता है एंजाइम्स को फाइन जो इन्वॉल्व होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल क्लियर तो जो बैक्टीरिया है वो वीक बैक्टीरिया जो हमारे पास वीक सेल वॉल के साथ वो क्या करता है उसकी वजह से क्या होगा उसके सेल कंटेंट्स की लीकेज हो जाएगी जिस वजह से क्या होगा उसका जो इन्फेक्शन कॉजिंग एक्शन है वो खत्म हो जाएगा क्लियर तो पेंसिलीन जो है एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं ताकि हमारे uh, पास क्या हो जाए जो एंजाइम्स हैं जो फॉर्मेशन करा रहे हैं बैक्टीरियल सेल वॉल की वो नहीं करा पाए और उनका जो इफेक्ट है डिजीज कॉजिंग इफेक्ट है वो खत्म हो जाए देन हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन की स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है जो बाइंड करता है बैक्टीरियल राइबोसोम्स को फाइन तो इसलिए वो क्या करता है प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है जिसकी वजह से हमारे पास एंजाइम की सिंथेसिस भी नहीं हो पाती है और उसकी वजह से क्या होगा बैक्टीरियल सेल वॉल नहीं बनेगी क्लियर और उसकी वजह से भी हमारे पास डिजीज कॉजिंग माइक्रोर्गेजम जो है उनका इफेक्ट कम हो जाएगा क्लियर खत्म हो जाएगा और टेट्रासाइक्लिन जो है वो भी वर्क करता है विद द इंटरफेयरिंग विद इंटरफेयरिंग द बैक्टीरियल राइबोसोम्स क्लियर ये भी हमारे पास उनकी सेल वॉल नहीं बनने देता तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स थी आ, कुछ हमारे पास नाम है एंटीबायोटिक्स के जो हम यूज करते हैं टू तो फाइट अगेंस्ट बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन आई होप बच्चे आपको ये क्लियर हुआ होगा ठीक है अगर कोई भी डाउट है यहां तक तो आप डिस्कस कर सकते हो फाइन तो नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में आग प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस डिस्कस करेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे